हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नमस्ते, आप देखो नमस्ते। स्वागत है आपके एक ताज़ा तरीन नए वीडियो में। एंड मैं कुछ ज़्यादा ही अपने अंदर घुसा रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग देखो, ध्यान दो, तो आज हम लोग खेल रहे हैं एक पूरे पूरे नए वर्ल्ड में। एंड ये है एक्चुअली एक मॉड पैक कह सकते हो, जो कि बेड रॉक का है। एंड ये पेड नहीं है, सबसे पहली बात, फ्री है। एंड इसका नाम है स्टोन फैक्ट्री, स्टोन ब्लॉक नहीं, स्टोन फैक्ट्री। एंड ये मत समझना कि ये फ्री है तो अच्छा नहीं है भाई, सीरियसली बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा भाई इस पर, मतलब इस पर तो मैं सीरीज बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा ग्राइंड है, अगर तुम लोग भी चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैनोटाज का मैप है ये, एंड उनके वर्क सभी भाई नए नए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो अब एक शाउट आउट उनको मैं क्या दूँ, वही मुझे दे दे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तुम लोग अगर चाहते हो तो नीचे से डाउनलोड कर लेना। एंड अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में वीडियो को एंड तक देखना, मन से लाइक कर देना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखो मैं तुम लोग बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब जो भी है, अब सब कुछ तुम लोग अगर मेरे साथ खेलते रहोगे तो मैं तुम लोग को साथ साथ में सिखा दूंगा। एंड हमारे पास एक क्वेस्ट की पूरी बुक मिलती है, तो इसमें जो है हमारे पास सब कुछ करने को पता है हमें कि क्या क्या करना है। एंड मोस्टली मुझे पता है कि क्या है, थोड़ा बहुत मतलब मैंने थोड़ा सा पता करके रखा था, तो ये मेरे को थोड़ा सा तो आइडिया है। तो सबसे इसमें सीरियसली बहुत कुछ है करने को, मतलब है बहुत कुछ है सीरियसली। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो कॉबल स्टोन है, स्टोन है, एंड ये क्रैक्ड वाले ब्लॉक्स है। तो इन वाले ब्लॉक्स को हमें तोड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इन्हें तोड़ेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि हमें कुछ पेबल्स मिल रहे हैं। एंड इन पेबल्स का ही अभी हम लोगों को सबसे पहले काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग को 16 पेबल्स जो है जमा कर लेने हैं। ओके, या तो देख सकते हो हम लोग पास अभी सबसे पहले 16 पेबल्स, 16 से ज़्यादा ही आ गए पेबल्स, आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इन पेबल्स को हमें क्या करना है, इनसे हमें बना लेने हैं कॉबल स्टोन्स। एंड कॉबल स्टोन की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देख सकते हो डायरेक्टली आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो हम लोग जितने हैं बना लेते हैं। एंड इन 4 कॉबल स्टोन से फिर बने हमें बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है ना। तो ये हमने रख दी क्राफ्टिंग टेबल। एंड अब इसमें हमें चीज़ें बनानी रहेंगी, जो कि जिससे के लिए कि सबसे पहले तो मैं थोड़े से और ये जो पेबल्स हैं वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग को बनानी पड़ेगी एक पिकैक्स। एंड पिकैक्स के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा और कॉबल स्टोन, एंड आई थिंक हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कितना हुआ। ओके, नहीं, एक और कॉबल स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 4 और पेबल्स। तो मैं नीचे वाले को निकालना नहीं चाह रहा एक्चुअली, नीचे वाले से शो ख़राब हो जाएगा। बट यहाँ से 2 एंड एक और बस यहाँ से मिल जाए। ओके, 4 हो गए। एंड देन बूम, हमारा काम हो गया है। तो एक और कॉबल स्टोन बना लेते हैं। एंड देन हमें बनानी पड़ेंगी कुछ स्टिक्स, एंड फिर हमारा बन जाएगा ये पिकैक्स। देख सकते हो हमारी पहली स्टोन की पिकैक्स हमारे हाथ में आ चुकी है। एंड देन मैं थोड़ा सा आसपास का एरिया क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से, वो ग्राइंड देखने की आई डोंट थिंक तुम लोगों को ज़रूरत है। तो मैं जल्दी से आसपास का थोड़ा सा एरिया क्लियर करता हूँ, देन तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो जिसके अगर तुम लोग देखो तो मैंने थोड़ा बहुत एरिया जो है अपने काम भर के लिए क्लियर आउट कर लिया है। एंड अभी हमें सबसे पहले बनानी है 2 चीज़ें। सबसे पहला तो होगा हमारा हैमर, जो कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हैमर है हमारे पास, तो ये एक हैमर बना लेना है। एंड दूसरी हमें चीज़ बनानी है एक सीव। तो सीव के रेसिपी के लिए ओके, मुझे 4 स्टिक्स चाहिए रहेंगे, तो 4 स्टिक्स बना लेते हैं। एंड बना लेते हैं एक सीव। अब ये जो सीव एंड हैमर है भाई, यही सबसे ज़्यादा मेन है, अगर कहो कि मतलब ओके मुझे को लगा ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मेन है इस पूरे गेम में अगर तुम लोग देखो तो। इस हैमर से देखो क्या होता है, इस हैमर से हम अगर हम लोग किसी भी ब्लॉक को ऐसे तोड़ते हैं तो देखो हमें एक कोबलस्टोन मिला, लेकिन जैसे हम उसे उठाएंगे तो देखो हमें क्या मिला, एक ग्रेवल। अब अगर तुम जनरली इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें हर बार एक ग्रेवल मिलती जाएगी, बट ये कमांड्स जो है ना, ये कमांड्स बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर तुम लगातार इसे माइन करते रहो। तो इसको एक सीधा सा सॉल्यूशन है, ये मेरे को मनोज ने बताया था। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, गेम रूल डालना है, स्लैश गेम रूल सेंड कमांड फीडबैक, ये वाला है ऊपर जो दिख रहा होगा तुम लोगों को, कॉर्नर में आ चुका है ये सेंड कमांड फीडबैक, एंड इसे हमें कर देना है फॉल्स, ठीक है। एंड अब जब हम इसे यूज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब ये बार बार जो कमांड हमारा पॉपअप होके आता है ये नहीं आने वाला। एंड अगर हम बोलें कि इस ग्रेवल का हमें ज़रूरत क्या है, मतलब कि इस हैमर का या फिर इस ग्रेवल का, एक मिनट, ओके ओके ओके, मुझे लगा कुछ दिक्कत हुई,
मेरा टच नहीं काम कर रहा था। ओके, तो इस ग्रेवल का क्या काम है कि इस ग्रेवल को हमें क्या करना है, इस सीव में करना है इंटरैक्ट। जैसे कि देखो, अगर तुम इस सीव के अगल बगल पे जाओगे तो नहीं होगा, सीव का जो ऊपर वाला नेट है उस पर या तो करो या तो उसके ऊपर खड़े हो जाओ। मैं खड़े होकर ही करता हूँ जनरली, मुझे ईजी पड़ता है। एंड उसके बाद तुम्हें ये इंटरैक्ट वाला बटन दबाना है। देखो कि जैसे ही तुम पहली बार इंटरैक्ट का बटन दबाओगे ना, तो ये जो तुम्हारी हाथ में था, ये क्या है, ग्रेवल, ये इसके अंदर घुस जाता है। एंड देन अगर तुम इसे बार बार इंटरैक्ट करोगे तो ये अंदर घुस जाएगा एंड तुम्हें थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। तो ठीक है, अभी हमको पहली बारी में ही एक कोल मिल गया है, जो कि थोड़ी अच्छी बात है, बिकॉज लाइटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। एंड मैं थोड़ी सी तो लाइटिंग एटलीस्ट कर ही देता हूँ, मतलब थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड यप, ये थोड़ा ठीक है। एंड अगर जितना ज़्यादा हम लोग इसमें ये सीव करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग को इंग्रेडिएंट्स मिलते जाएंगे। जिसके अगर अभी तुम लोग देख रहे हो तो मैं हर बार में कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं। मैं इसको जल्दी से पूरा कर लेता हूँ जितना ग्रेवल है अभी मेरे पास। ओके, तो देखते हैं, देखो अभी हम लोग क्या क्या मिला है। हम लोग को मिला है 5 डर्ट पेबल, थोड़ा सा गोल्ड नगेट, 1 एमरल्ड नगेट, 2 डायमंड नगेट एंड थोड़ा सा आयरन भी मिला है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक चेस्ट बना लेते हैं इन सामान को सारा रखने के लिए। ओके, तो ये हमने बना ली एक डबल चेस्ट, जिसके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। मैंने एक ही चेस्ट बनाई, मेरे को लगा मैंने 2 चेस्ट बनाई है। ठीक है, ओके, तो एक और चेस्ट बना के उसे यहाँ पे रख देते हैं, इनमें ये सामान रख देते हैं। एंड ये जो डायमंड एंड एमरल्ड नगेट्स है, ये भी मतलब डायमंड एंड एमरल्ड ही क्राफ्ट करने के काम आते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो डर्ट पेबल्स थे, इनके थ्रू हम लोग बना सकते हैं हमारा, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, भूल गया मैं। तो हाँ, डर्ट बना सकते हैं, डर्ट पेबल से डर्ट ही बनेगा ना। तो ये डर्ट ब्लॉक्स हमें बाद में फार्मिंग करने के काम आएंगे, लेकिन पहले तो हमें एक चाहिए होगा ट्री सैपलिंग। तो देखते हैं आगे इसमें क्या था, मैं थोड़ा सा लग रहा है भूल गया हूँ। ओके, क्राफ्ट पिकैक्स, स्टार्ट सेविंग हैमर टाइम एंड देन गैदरिंग रिसोर्सेज। ओके, एंड डर्ट पेबल्स, उसके बाद ग्रो अ ट्री, माइन आउट अ लार्ज एरिया, बट मेरे पास सैपलिंग नहीं है, कैसे मिलेगा सैपलिंग। ओके, हाँ याद आ गया मेरे को, सैपलिंग एक्चुअली कैसे मिलता है, देखो, जिसकी ये हमारा पहला वाला डर्ट का जो ब्लॉक है, अगर हम लोग इस डर्ट को जाके इसमें सीव करेंगे ना, जिसकी चलो इसको सीव कर लेते, तो देखा तुम लोगों ने, हम लोगों को मिला 1 एप्पल। बहुत ही गंदा स्कैम हुआ है। जनरली हम लोग को एक सैपलिंग और थोड़े से लीव्स मिलते हैं, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और करूँगा तब शायद जाके थोड़ी बहुत सैपलिंग मिले। तो मैं जल्दी से थोड़ी और ग्रेवल जमा कर लेता हूँ एंड थोड़ी और सेविंग करके आता हूँ जल्दी से। वो थोड़ा बहुत ग्रेवल तो जमा हो गया अभी भी हमारे पास, एंड इस ग्रेवल को हम लोग जल्दी से अब सीव कर लेते हैं। सीव, एंड ये टॉर्च मैं इधर लगा दूँ, बड़ा अंधेरा हो रहा है, मॉब्स भी बिकॉज स्पॉन हो सकते हैं, तो मतलब लाइट अप करके रखना थोड़ा एरिया, ऐसा नहीं कि मॉब्स नहीं स्पॉन होंगे, अगर बिल्कुल अंधेरे में बैठे रहोगे तो मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। वैसे इतने पास में तो नहीं होते, बिकॉज थोड़ा सा मतलब दूर होना पड़ता है मॉब्स को स्पॉन होने के लिए। एंड देखते हैं, एटलीस्ट हमें मतलब 2 डर्ट ब्लॉक्स चाहिए, बिकॉज अगर 2 डर्ट के ब्लॉक्स होंगे तभी एक ब्लॉक पे हम लोग पेड़ उगा पाएंगे एंड दूसरे वाले पे क्या कर पाएंगे, हाँ दूसरे वाले पे पेड़ को लगा पाएंगे, मतलब एक से तो सैपलिंग मिलेगा एंड दूसरे पे लगाएंगे, समझ गए ना। तो यानी कि 8 पेबल्स तो आ गए हैं, तो अगर 8 पेबल्स आ गए हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग 2 डर्ट ब्लॉक्स बना सकते हैं। एंड यप, होप करेंगे कि पहले वाले में ही सैपलिंग आ जाए। एंड नहीं, सैपलिंग स्कैम, थोड़ा सा बोन मिल आया वैसे, सही है एक। ओके, भाई दिया तो दिया, 2 सैपलिंग दे दिया, ठीक है, मतलब फिर से मुझे थोड़ी और सेविंग करनी पड़ेगी एक डर्ट ब्लॉक के लिए, तो कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो मैंने मतलब थोड़े ज़्यादा ही रिसोर्सेज जमा कर लिए हैं, ग्राइंड में कमी नहीं है भाई, ग्राइंड में अपन एकदम मतलब सबसे आगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग हिस्ट्री बनाने वाले हैं, हमारा पहला पेड़ उगाने वाले हैं हम लोग इसमें। एंड हाँ, मुझे तुम लोग को एक और चीज़ बतानी है, पहले तो मैं ये पेड़ उगा दूँ फिर तुम लोग को ये बताता हूँ। मतलब इसमें एक स्पेशल टाइप के टूल्स होते हैं, जो कि भाई सबसे ओपीएस्ट टूल्स है इसमें, मतलब सबसे ओपीएस्ट भी नहीं कह सकते, बट हाँ वो एक तरीके से सबसे ओपी है, जो कि है फ्लिंट के टूल्स। अब फ्लिंट के टूल्स को मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे ओपी है, उसका एक रीज़न है। रुको, मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ एंड देन तुम लोग को दिखाता हूँ, जिसके अगर ये पिकैक्स है एंड इस पिकैक्स से मैं माइनिंग करूँ, सपोज कि अगर मैं इधर ही थोड़ी सी और माइनिंग कर देता हूँ, लेट्स सी, ये देखो इसके ड्यूरेबिलिटी में कोई फ़र्क ही नहीं आता, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं तोतला हो गया हूँ, इसके ड्यूरेबिलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आता, देख रहे हो तुम लोग, मैं से चाहे जितना चाहे माइन करूँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं है।
एंड दैट्स वाई द फ्लिंट टूल्स आर द मोस्ट ओपी टूल्स, जो कि मुझे ऐसा लगा. एंड आई होप काश हम लोग इससे अपना आर्मर भी बना पाते. बट सबसे पहले जो हम लोग करना है अभी, एक हमें बनाना है ये वाला बैरल, जो कि ये वाला है. तुम लोग देख सकते हो एक स्टोन बैरल है एंड एक वुडन बैरल भी बनेगा, ठीक है ना. तो स्टोन बैरल एंड वुडन बैरल तो रखना कहाँ पे, मे बी हम लोग यहीं पे रख लेते हैं. यहाँ पे रखते हैं अपना स्टोन बैरल एंड इसके बगल में रखेंगे अपना वुडन बैरल. अभी मतलब अभी तो मैं फिलहाल सब कुछ ऐसे ही रख दे रहा हूँ. जब आज का दिन ख़त्म होगा तो मैं सब कुछ थोड़ा सेटअप कर दूंगा, देखूंगा थोड़ा सा अच्छा सुंदर दिखाने की इस जगह को ट्राई करूंगा. एंड अगर हम लोग इस वाले जो स्टोन बैरल है इसके अंदर हम लोग एक स्टोन डालते हैं तो तुम लोग देख सकते हो ये भर गए एंड काला काला सा हो गया. थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 1 मिनट लगता है, थोड़ा सा लगता है, जिसके कि बाद ये जो है अपने आप लावा में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इस पेड़ को उगने में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है. मैं थोड़ा सा बोन मील मार के देखता हूँ एंड देन वेट करता हूँ कि कब तक ये ग्रो होता है. तब तक अगर मैं हो पाएगा तो थोड़ा बहुत एरिया जो है आसपास का उसे क्लियर आउट कर दूंगा. ओके 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 ओके. मैं तो मतलब थोड़ा सा ही क्लियर कर रहा था, ये पेड़ कुछ ज़्यादा ही जल्दी उग गया है. एंड अगर मैं बताऊँ तो डायरेक्ट इसकी वुड्स को मत काटने लगना. मैं यहाँ पे ये टॉर्च लगा दूँ, बड़ा मेहनत लग रही है इस टॉर्च को लगाने में. तो डायरेक्ट मतलब जो है इसका वुड मत काटने लगना. हम लोग को उससे पहले बनाना पड़ेगा एक और टूल जो कि कहलाता है क्रूक. तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी स्टिक्स. एंड यप, क्रूक की मतलब बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टिक्स को रखना है एंड हमें मिल जाएगा एक क्रूक. एंड ये क्रूक जो है ये क्या काम करेगा, अगर हम लोग इससे लीव्स को काटेंगे तो डायरेक्ट ये जो है लीव्स को इजिली काटने में हेल्प करेगा. वैसे आई थिंक हम लोग शीयर्स भी बना सकते हैं, मतलब लेकिन हम लोग शीयर्स क्यों बनाएं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्रूक बना सकते हैं तो शीयर की क्या ज़रूरत. तो यहाँ पे हम लोग इन सारी लीव्स को जमा कर लेंगे. एंड ये लीव्स जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज इन लीव्स का भी अभी काम आएगा. मैं बताता हूँ क्या काम आएगा. तो उससे पहले मैं एक एक्स भी बना लेता हूँ, एक फ्लिंट की एक्स बनाते हैं. फ्लिंट की एक्स ही ज़्यादा सही रहेगी आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास फ्लिंट है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं जाती, तो मैं पागल थोड़ी किसी और का बनाऊंगा. तो यहाँ पे मैं इस वुड को काट के जमा कर लेता हूँ एंड दूसरी सैपलिंग जो है वो लगा सकता हूँ. अब देखो लीव्स जो है ना वो बहुत सारे काम आने वाली हैं, क्योंकि लीव्स को अगर तुम यहाँ पे रखते हो तो तुम्हें लीव्स से मिलती हैं सैपलिंग्स. एंड अगर तुम लीव्स को ही ऐसे रखते हो कुछ इस तरीके से तो तुम देख सकते हो तुम्हें मिलती हैं सीड्स. बट यही सिर्फ काम नहीं है. अगर हम लोग सबसे पहले तो ओक प्लैंक्स बना लेते हैं इनकी, एंड इन ओक प्लैंक्स से बनेगा एक वुडन बैरल जो कि ये रहा. एंड इस वुडन बैरल का कभी सबसे इंपॉर्टेंट एक काम है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एक वुडन बैरल कुछ इस तरीके से एंड इसमें मैं डालता हूँ एक लीफ, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ी देर पहले कॉबल स्टोन डाला था. एंड ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है आई थिंक, आई नो, यप पता नहीं उसकी ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है. तभी तुम लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो है लावा भर चुका है. अगर मैं अभी यहाँ पे बकेट बनाऊँ, आई थिंक मेरे पास बकेट बनाने जितना सामान है, यप बहुत सामान है, मतलब पहले दिन में इतना ग्राइंड, ओ माय गॉड. ठीक है, तो अभी हम लोग एक या दो बकेट बना लेते हैं, तीनों बकेट ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आयरन का ऐसे और कुछ खास काम है नहीं फिलहाल. तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक लावा बकेट. तुम देख सकते हो मेरी इन्वेंटरी में आ चुकी है एक लावा की बकेट. एंड यहाँ पे थोड़ा और भी सामान आ चुका है, मेरे पास डायमंड वायमंड भी आ गया है. एक्चुअली कितना डायमंड चाहिए होगा, 9327, ओके 27 डायमंड चाहिए होगा एक डायमंड की पिकैक्स बनाने के लिए. तो वो सब भी बाद में करेंगे. थोड़ा बहुत लैपिस भी आ चुका है, ग्राइंड ओपी, ग्राइंड ओपी इन द चैट सब लोग लिख देना, देख रहा हूँ ग्राइंड. ओके, कुछ ग्राइंड नहीं किया खास मैंने, तो ठीक है ये तो हमारे पास बन गया. लेकिन उसके सिवाय जब तक ये पेड़ उगता है तो थोड़ा बहुत खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा. एंड मैं सोच रहा अपना जो फार्म है वो किधर बनाऊँ, क्योंकि हमें बाद में एक ऑटो फार्मर भी बनाने को मिलता है जितना मुझे पता है. बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इस एरिया को थोड़ा सा क्लियर करके एंड यहाँ पे ही अपना छोटा सा एक फार्म का एरिया बना दूँ. ओके, तो मैंने इधर थोड़ा सा एरिया जो है वो क्लियर आउट कर दिया है, जिसको तुम लोग देख सकते हैं. टॉर्चेस को थोड़ा सा एक ब्लॉक ऊपर ही लगाता हूँ, मे बी ग्रो होने में कुछ दिक्कत ना हो, मतलब लाइट लेवल भी मेंटेन होना चाहिए. ओके, तो ये ठीक है. एंड मैं थोड़ी सी फेंसेज बना लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस वाले पेड़ को ज़रा साफ़ कर दूँ. ओके, तो ये पेड़ तो साफ़ हो गया है. एंड थोड़ी सी सैपलिंग्स बना लेते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं. एंड देन हम लोग बना लेंगे एक वाटर बकेट कुछ इस तरीके से. एंड इस वाटर बकेट को हम लोग लगा देंगे इधर साइड पे, लेट मी चेक, कुछ इस तरीके से. यहाँ पे एक छोटी सी टनल बनानी पड़ेगी हम लोगों को, एंड बाद में हम लोग उस टनल को बंद भी कर देंगे, मतलब एक वाटर बकेट से हमारा काम हो जाने वाला है. एंड देन हमें डालना पड़ेगा ये वाटर बकेट कुछ इस तरीके से. एंड यहाँ पे इस वाली लाइन को पूरा कुछ इस तरीके से हम लोग बंद कर देंगे.
एंड देन हमें थोड़े बहुत डर्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल तो तीन ही डर्ट है, तो इतनी ही डर्ट पर काम चलाना पड़ेगा। आई थिंक मैंने पिकैक्स कहाँ गई, मैंने पिकैक्स बनाई तो थी। यप पिकैक्स, ठीक है। यप यहाँ पे लगा देंगे अपनी डर्ट को, यहाँ पे एक एंड देन यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, एक बनानी पड़ेगी हमें। हुई ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बट बता रहा हूँ तो सुन लो, ठीक है ना, ज़्यादा चूचा नहीं करो। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग लगा देंगे थोड़े से सीड्स, एक दो तीन, एंड देन ये सीड्स हम लोग लगा देंगे कुछ यहाँ पे, एंड देन थोड़ा सा और आई थिंक ग्राइंड करना पड़ेगा जिससे कि मेरे को थोड़ी और डर्ट मिल पाए। एंड तब तक मैं थोड़ा सा और इधर वाला एरिया जो है वो साफ कर देता हूँ, देन आगे तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो देख सकते हो मतलब डर्ट जमा हो गया, 17 डर्ट है, एंड आई थिंक 17 डर्ट से हमारा काम हो जाना चाहिए। एंड ये वाला जो वीट है वो ग्रो भी हो चुका है, तो आई थिंक सो हमारा काम हो जाएगा 17 डर्ट से। मतलब कितने डर्ट लगने वाली है पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक जो 17 डर्ट है हमारे पास उससे हमारा काम हो जाएगा, शायद कम पड़ेगा। ओके, 4 कम पड़ रहा है तो उसको बाद में देखेंगे। एंड अभी फ़िलहाल एक और चीज़ तुम लोगों को दिखानी है, तो वो भी पहले दिखा देता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ से कुछ और पेड़ बनाने वाले हैं, मतलब कुछ स्पेशल टाइप की सैपलिंग्स बनाने वाले हैं हम लोग, तो वो भी मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। जिसकी अगर मैं इस वाली सैपलिंग को हटा दूँ एंड इसके पेड़ों को थोड़ा देर तक झड़ने देते हैं, तब तक हम लोग इसको हो ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पे थोड़े से सीड्स लगा देते हैं जल्दी से, एंड इसमें सब कुछ ग्रो थोड़ा जल्दी होता है, पता नहीं टिक स्पीड में शायद कुछ चेंजेस होंगे, मे बी आई डोंट नो, या फिर मैं शायद खेल ही ज़्यादा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बहुत मन से खेल लाता हूँ तो अलग बात होती है, लेकिन हाँ ये चीज़ें सच में थोड़ी जल्दी ग्रो हो रही हैं, मे बी आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मे बी टिक स्पीड में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो हाँ देखो, अब जिसके हम लोग को वुड तो चाहिए रहेगी ना, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि मतलब पेड़ जो हो वो इसी का ही हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सैपलिंग्स जो हैं वो बना सकते हैं। लाइक अभी तुम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है कॉबल स्टोन वाली सैपलिंग, तो कॉबल स्टोन वाली सैपलिंग से हमें जब भी हम लगाएंगे ऐसे तो ग्रो होगी, इसमें से कॉबल स्टोन मिलेगा, बट कॉबल स्टोन की कमी नहीं है, मतलब देख सकते हो ना, मतलब कौन कहेगा आसपास कॉबल स्टोन की कमी है, तो कॉबल स्टोन का नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट कोल का बना लेते हैं, या फिर कोल से ऊपर भी देखते हैं तो उसका बनाएंगे। तो ये रहा कोल का, एंड कोल के बाद कौन सा बनता है, मे बी मेरे ख्याल से आयरन का बनेगा। या यहाँ पे कोल सैपलिंग से आयरन का वो बनेगा, आयरन की सैपलिंग बनेगी, तो मेरे पास बहुत सारा आयरन है, बना लेता हूँ मैं एक आयरन वाली सैपलिंग। एंड ये रही आयरन वाली सैपलिंग, एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब भी ये सैपलिंग लेना ना तो इसको तोड़ना मत हाथ से, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आई थिंक मैं ये रिस्क ना कर रहा हूँ। एंड अगर देखो मेरे को ये उठ गई है, ये देखो, लेकिन हाथ में दिखती नहीं है, हॉट बार में नहीं दिखती, मे बी ये शायद कोई ग्लिच हो, बट फिर तुम जब इसे प्लेस करोगे तो ये दिखने लगती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब उसे तोड़ना मत, अगर तोड़ना तो हॉट बार को ज़रा ध्यान से चेक कर लेना। ओके ओके ओके, तो पहले तो पेड़ ग्रो हो गया, पहले इस चीज़ से बात करते हैं कि देख सकते हो ये है हमारा आयरन वाला प्यारा प्यारा पेड़, एंड इसके पेड़ों को पत्तों को आई डोंट थिंक तोड़ने की ज़रूरत है, मतलब कभी कभी इसके पेड़ अपने आप ही झड़ जाते हैं, एंड इनके पत्तों को हम लोग ले नहीं सकते, आई होप काश हम लोग ले पाते, बहुत ही ओपी लगते ये, एंड देख रखते हो अपने आप ही टूटना चालू हो गए इसके पत्ते अपने आप ही टूट जाते हैं, एंड देन हमारा जो है पेड़ वो बच जाता है। इसमें बहुत सारी सैपलिंग्स गिलती है, एक्चुअली बहुत सारी सैपलिंग्स, पता नहीं इतनी सैपलिंग्स मैं कहाँ ही लगा दूंगा। तो उसके बाद हम लोग इसका जो, अब देखो इसका जो पेड़ है तुम देख सकते हो, इस पेड़ में ओर का भी टेक्सचर है हल्का सा, तो जब भी हम लोग इसका पेड़ जो है ये तोड़ते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग को वुड नहीं मिलती बल्कि साथ में मिलती है थोड़ी सी आयरन की इंगट्स भी, यानी कि जिस चीज़ की भी सैपलिंग होगी उस चीज़ का तुम वो कर सकते हो, एंड बहुत सारी सैपलिंग्स भी बनती है, इनफैक्ट डायमंड का भी पेड़ बनता है, तो वो भी हम लोग बनाने वाले हैं, बट अभी नहीं, इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, सब कुछ इसी एपिसोड में ख़त्म थोड़ी कर देनी, पूरी सीरीज़ लेकर जानी है लंबे से। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में तो बस इतना ही रखेंगे, एंड अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक मैं इस एरिया को थोड़ा सा और रहने काबिल बनाऊंगा।